नमस्कार, संस्कृति विभाग के महती आयोजन गमक श्रृंखला के अंतर्गत कालिदास संस्कृत अकादमी की यह विशिष्ट प्रस्तुति आज आपके समक्ष है। वरदा कला संस्थान इंदौर के द्वारा आज जो प्रस्तुति दी जा रही है वो भरतनाट्यम शैली में है, जो कि महाकवि कालिदास के जीवन पर केंद्रित है और उनके महाकाव्यों पर आधारित है। तो आज हम चलते हैं एक विशिष्ट प्रस्तुति देखने, जिसका निर्देशन किया है श्रुति शर्मा जी ने, और ये भरतनाट्यम शैली में होने के कारण अपने आप में एक अलग ही प्रकार की विशिष्टता लिए हुए है। संपूर्ण कार्यक्रम को आप अवश्य देखें, क्योंकि ये अत्यंत रंजक कार्यक्रम है। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करते हैं कालिदास संस्कृत अकादमी के प्रभारी निदेशक डॉक्टर संतोष पंड्या जी को स्वागत उद्बोधन हेतु। नमस्कार। साहित्य, नृत्य, नाट्य आदि सब लोक के आराधन के विषय हैं। कालिदास संस्कृत अकादमी अपनी स्थापना के साथ ही इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सतत सक्रिय है। आज गमक श्रृंखला के अंतर्गत वरदा कला संस्थान इंदौर द्वारा श्रुति शर्मा के निर्देशन में महाकवि कालिदास के साहित्य पर केंद्रित भरतनाट्यम शैली में नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की जा रही है। रम्याणि वीक्ष मधुरांश्च निशम्य शब्दान पर्युत्सुकी भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदैव रूपं रमणीयतायाः। अकादमी निरंतर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नया नया रूप लेते हुए और विविध अवसर कलाकारों को प्रस्तुत करती है। आज भरतनाट्यम शैली में नृत्य नाटिका का रसास्वादन हम करेंगे। मैं कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं सभी कलाकारों का और श्रुति राजीव शर्मा जी का भी। धन्यवाद संतोष पंड्या जी। तो लीजिए, हम चलते हैं अब हमारी प्रस्तुति की ओर। महाकवि कालिदास केंद्रित ये नृत्य नाटिका वरदा कला संस्थान इंदौर के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जिसका निर्देशन किया है श्रुति शर्मा ने। इसमें शब्दांकन शर्वाणी जोशी जी के द्वारा किया गया है। कलाकार जो मंच पर प्रस्तुति देंगे वो हैं प्रियांशी जैन, अक्षरा कचोलिया, चिन्मयी कोलवाटकर, अनिका पालिया, अनघा पालिया, सारा काशीकर और मृत्युंजय जोशी। तो आइए प्रस्तुति का आनंद लीजिए। परंपरा निष्ठ नृत्य से ज्वलंत विषयों पर प्रकाश डालने का अनवरत प्रयास करने वाला वरदा कला संस्थान पिछले 2 दशकों से भरतनाट्यम नृत्य कला का प्रचार प्रसार कर रहा है। अध्यात्म, कला, संस्कृति के संवर्धन का उद्देश्य लिए इस साधना में रत श्रीमती श्रुति राजीव शर्मा इस संस्थान के माध्यम से देश की धरोहर को संरक्षित कर रही हैं। इसी कड़ी में आज सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक विश्व कवि के महनीय आसन पर प्रतिष्ठित कवि कुल गुरु कालिदास व संस्कृत के समृद्ध साहित्य का महत्व और उसमें मालवा के सुपुत्र कवि कालिदास के योगदान को प्रकाशित करने के उद्देश्य से यह नृत्य नाटिका की जा रही है। कवि कुल गुरु, कनिष्ठिका अधिष्ठित और कविता कामिनी विलास जैसी गरिमामय उपाधियों से अलंकृत कालिदास, उज्जैनी के गौरव कालिदास, संस्कृत काव्य के श्रेष्ठ रचयिता कालिदास, अनुपम उपमा के सर्जक कालिदास, जिनकी काव्यगत विशिष्टताएं हरेक को अभिभूत करती हैं, क्या हम ऐसे रसिक हृदय सम्राट का वर्णन कर पाएंगे? पर यह आकुल मन ये भी जानता है कि परमेश्वर शिव व परमेश्वरी शिवा की कृपा दृष्टि हो तो फिर इस जगत में कोई कार्य असंभव नहीं होता। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कवि कुलगुरु कालिदास ने जिस प्रकार वाक व अर्थ के समान
नित्य संबद्ध जगत पालक पराशक्ति पार्वती व परमेश्वर शिव की वंदना करते हुए सृजनात्मक शक्ति प्राप्त की, वैसे ही हम भी आज अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं आदि व आद्या के चरणों में समर्पित पुष्पांजलि से। तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदि गिण तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदि गिण तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदि गिण तारित झं तरिता तदिमित गिट तक तक तदि गिण तारित झं तझं तरिता तदिमित गिट तक तक तदि गिण तारित झं तझं तरिता तदिमित गिट तक तक तदि गिण तारित झं तझं तरिता तदिमित गिट तक तक तदि गिण तारित झं तझं तरिता तदिमित गिट तक तक तदि गिण तारित झं तझं तरिता तदिमित गिट तक तक तदि गिण तारित झं तझं तदिमित गिट तक तक तदि गिण तारित झं तझं तरिता तदिमित गिट तक तक तदि गिण तझं तक झं तकिट झं तक तकिट झं तकिट तक दिगु तदि गिण तझं तक झं तकिट झं तक तकिट झं तकिट तक दिगु तदि गिण तरित दण 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 त जोणु 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 तदि मिरिमि रिमि तकिट तक तरित दण 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 त जोणु 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 तदि मिरिमि रिमि तकिट तक तरित दण दण त जोणु दगुनरि गिण तक तरित दण Oh,
कहते हैं कि कला से अलंकृत व्यक्ति चमत्कार की सृष्टि कर सकता है और कालिदास ने वही किया। इसीलिए तो उज्जैन की ख्याति महाकाल, चिंतामण, हरसिद्धि व सिंहस्थ पर्व के साथ साथ भारतीय साहित्य के कालजयी रचनाकार कालिदास के कारण भी है। परंतु कालिदास के विषय में यह प्रचलित है कि वे प्रारंभ में इतने मेधावी नहीं थे। अपनी अल्प बुद्धि के कारण वे उस व्यक्ति द्वारा चयनित किए गए जो एक अहंकारी विदुषी कन्या का गर्व भंग करना चाहता था। वो अपनी योजना में सफल भी हुआ, किंतु उस अहंकारी कन्या के कटु वचनों ने कालिदास के जीवन की दिशा ही बदल दी। मूढ़ बुद्धि कालिदास वागेश्वरी की कृपा से वागीश बन गए। माँ गढ़ कालिका ने उन्हें दोनों विद्याओं से आशीर्वादित किया। जो प्रत्यक्ष वस्तु दिखती है, जिसकी गणना की जा सके, वह गणेश है। अतः गणपति अथर्वशीर्ष में कहा है, त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी। जो भाव रूप है या नहीं गिनी जा सके, वह रसवती है, सरस्वती है। तो आइए हम भी अपनी इस नृत्य प्रस्तुति से गणनात्मक ज्ञान अर्थात शब्दों में प्रकट ज्ञान रूपी गणेश, महाभारत के लेखक मूर्धन्य लिपिकार गजानन की स्तुति करते हैं। विद्यावारिधि बुद्धि विदाता मा
माँ वीणा वादिनी ने अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर इस प्रकार रखा कि अनंत ज्ञान उनके जीवाग्र पर स्थित हो गया। माँ सरस्वती की कृपा से कालिदास की वाणी मुखरित हुई। सौंदर्य को उद्भासित करने के लिए आंतरिक चक्षु मिले और वे भारतीय शास्त्रीय परंपरा के महापंडित के पद पर प्रतिष्ठित हुए। शारदा माँ की इस परम अनुकंपा का ऋण कालिदास ने भी निष्ठापूर्वक चुकाया। इसीलिए मल्लीनाथ सूरी, जिन्होंने कालिदास के नाटकों व काव्यों पर बहुत ही सटीक टीके लिखे हैं, वे कालिदास के कार्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कवि कालिदास की महानता व गहराई वे स्वयं माँ सरस्वती या ब्रह्मदेव ही माप सकते हैं, अन्यों में तो वो आन्वीक्षिकी है ही नहीं। देवी माँ इस अनंत ज्ञान के सागर की कुछ बूंदों से हमारी गागर भी भरें। इसी प्रार्थना के साथ अगली प्रस्तुति देवी को समर्पित करते हैं। Done.
यह कितना सुखद व आश्चर्यजनक संयोग है कि कालजयी कालिदास कालों के काल महाकाल की नगरी में हुए। काव्य सप्तक के जो तार कवि कुलगुरु कालिदास ने झंकृत किए हैं वे देश काल की सीमाओं को पार कर अनंत में समाहित हो गए। उज्जैनी सृजन की भूमि है जिसके सर्वोच्च प्रतीक महाकवि कालिदास हैं। इसी उज्जैनी के प्रति महाकवि कालिदास का विशेष प्रेम उनके काव्यों में प्रतिबिंबित हुआ है और शिवानुराग की पराकाष्ठा तो उनकी कृति कुमार संभवम में परिलक्षित होती ही है। महाकाल उनके इष्ट थे और उनकी अधिकांश रचनाएं आदि अनादि देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ त्रिपुरारी शिव शंभू को समर्पित हैं। क्या बिना शिव कृपा के कालिदास कुमार संभवम का सृजन कर सकते थे? कदापि नहीं। ऐसे ही कृपालु दया निधान दया सिंधु करुणा सागर भक्त वत्सल सांब सदाशिव हमें भी अपनी कृपा दृष्टि से ओत प्रोत कर सामर्थ्यवान बनाए। इसी प्रार्थना के साथ आइए शिवराधना करते हैं। Girija Ramana Shambho Maga
ಶಂಕರ ಗಿರಿಜ ರಮಣ ಶಂಭೋ ಮಗ ದೇವ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜ ರಮಣ ಶಂಭೋ ಮಗ ದೇವ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜ ರಮಣ ಶಂಭೋ ಮಗ ದೇವ ಶಂಕರ
ரவண சம்ப மகாதேவ சங்கர கிரிஜா ரவண சம்ப மகாதேவ शिव का संदर्भ हो और बसंत का उल्लेख न हो, ऐसा भला कभी हो सकता है? शिव और पार्वती का मिलन तो वसंत ऋतु की मधुर बेला में ही हुआ है। ऋतु संहार कृति में कालिदास ने ऋतु चक्र का विस्तृत वर्णन किया है और ऋतुओं को जिस प्रकार कालिदास ने चित्रित किया है वह अद्वितीय है। प्रकृति के सहज सौंदर्य, मानवीय राग, कोमल भावनाओं और कल्पना के नवोन्मेष का जो रूप कालिदास की कृतियों में मिलता है वह भारतीय साहित्य का शिखर कहा जा सकता है। ऋतुओं के स्निग्ध अरुणायित आभा का अनुभव हम आइए अगली प्रस्तुति से करें। कालिदास ने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी साहित्यिक सौंदर्य के साथ साथ आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। श्री राम के रघुकुल का संपूर्ण इतिहास कालिदास ने रघुवंशम के द्वारा जिस सुरुचिपूर्ण रूप में किया है वह अनुपम है। कालिदास ने अपनी अनुपम उपमा के द्वारा यह बताया भी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर स्वयं को स्वयं में विलोपित करने के पूर्व अंजनी पुत्र हनुमान व लंका नरेश विभीषण को चिरंजीव रूप में उन दो स्तंभों की तरह स्थापित कर गए जो युगों युगों से भवसागर को पार करने की कामना रखने वालों के लिए प्रकाश पुंज की भांति पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। दशरथ नंदन हमारा भी मार्गदर्शन कर हमें भवसागर से तारें, ऐसी प्रार्थना के साथ आइए राम स्तुति करें। Thank you.
संस्कृत भाषा अपनी विशिष्ट एवं देवीय विशेषताओं के कारण अध्यात्म का महत्वपूर्ण अंग होने के साथ ही भारतीय संस्कृति की संवाहक है। इस परिमार्जित भाषा के कोश में मालवा के विद्वानों का अतुलनीय योगदान रहा है। कवि कुलगुरु कालिदास ने तो संस्कृत साहित्य को अकल्पनीय रूप से समृद्ध किया है। सांस्कृतिक दृष्टि से तो संस्कृत साहित्य विश्व में गौरवपूर्ण स्थान रखता ही है, अपितु संस्कृत में मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर भी बड़े विस्तार से कार्य किया गया है। यही नहीं, भौतिक दर्शन से संबंधित विषयों पर भी संस्कृत में प्राचीन ग्रंथों का कोश है। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति के धरोहर की प्रतीक है। यह ऐसी कुंजी है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के असंख्य रहस्यों को जानने में मदद करती है। संस्कृत भाषा यह सरस है, सुबोधा है, ललिता है, रमणीया है, परंतु न तो क्लिष्ट है न कठिना। संस्कृत की विशेषताएं बताती हुई हमारी अगली प्रस्तुति यही तो दर्शा रही है। सुबोध विश्व मनोज्ञा ललिता कृत्य रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरस सुबोध विश्व मनोज्ञा ललिता कृत्य रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्ट न च कठिना नैव क्लिष्ट न च कठिना सुरस सुबोध विश्व मनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया सुरस सुबोध विश्व मनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया रामायण रमणीय कथा अतीव सरला
మధుర మంజుల అతీవ సరళ మధుర మంజుల నైవ క్లిష్ట నచ కఠిన నైవ క్లిష్ట నచ కఠిన పురస సుబోధ విశ్వ మనోజ్ఞాల లితాకృత్య రమణీయ పురస సుబోధ విశ్వ మనోజ్ఞాల లితాకృత్య రమణీయ संस्कृत भाषा का महत्व, प्राचीनता, अविच्छिन्नता, व्यापकता, धार्मिकता तथा कलात्मकता की दृष्टि से तो है ही, अपितु धर्म व दर्शन के विचारात्मक अध्ययन की दृष्टि से भी है। इसी समृद्ध भाषा में रचित इन मंत्रों से आइए हम विश्व शांति, निरोगता व आत्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हैं। क्व
सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिर्षो दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ वह तेजस्वी वंश और कहाँ मेरी अल्पबुद्धि। अपने आप को रघु के वंश का वर्णन करने में सर्वथा अयोग्य मानते हुए भी जिस प्रकार कवि सम्राट कालिदास ने अपनी लेखनी से रघुवंश जैसे महाकाव्य की रचना की व संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया, वैसे ही देवभाषा के विस्तृत नभ के दैदीप्यमान सूर्य माने जाने वाले कवि कालिदास के जीवन व कार्य को हमने हमारी नाट्यांजलि से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। आशा है आपको हमारा यह प्रयास सराहनीय लगा होगा। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आपका हृदय से धन्यवाद, अनंतानंत धन्यवाद। अभी आपने भरतनाट्यम शैली पर आधारित नृत्य नाटिका का अवलोकन किया। ये नृत्य नाटिका महाकवि कालिदास के 3 महत्वपूर्ण रचनाओं पर आधारित थी और अत्यंत उत्कृष्ट रचना के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ श्रुति शर्मा जी और वरदा कला संस्थान इंदौर को, और आभार अभिव्यक्त करने का अनुरोध करती हूँ कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर संदीप नागर, कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन। अभी हमारे समक्ष वरदा कला संस्थान इंदौर के कलाकारों द्वारा एक सुमधुर प्रस्तुति दी गई। मैं इस नृत्य नाटिका का निर्देशन कर रही श्रुति राजीव शर्मा जी एवं समस्त कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आप सभी सुधी श्रोताओं जो कि अंतरजाल के माध्यम से हमसे निरंतर जुड़े रहे, मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।